सो शार्क टैंक इंडिया का सीजन 2 खत्म हो चुका है, बट कहीं ना कहीं एक चीज हमने ऑब्जर्व करी है, वो ये है कि कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज होते हैं, कुछ ऐसे पिचेस होते हैं जो कहीं ना कहीं आर एबल टू लीव अ ग्रेट इम्पैक्ट और नॉट जस्ट द शार्क्स माइंड बट द ऑडियंसेस एज वेल। एग्रीड? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि शार्क टैंक सीजन 2 में एक ऐसा पिच आया था जिसने शार्क्स को अमेज तो किया ही किया बट हैरान और परेशान भी कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगा, दैट इज द ऑडियंस को भी ऐसा लगा एंड कुछ शार्क्स को ऐसा लगा कि ये जो पर्टिकुलर आइडिया है, दैट इज बिजनेस पिच है, वो थोड़ा वियर्ड भी है। तो क्या है वो ऐसा आइडिया, ये सब जानने से पहले और डिटेल्स में जाने से पहले, हेलो आई एम रीश एंड यू आर वाचिंग डीएनपी फर्स्टली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी को सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें, थैंक यू। एंड आई एम बैक विद अनदर शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 अपडेट। यस, यू हर्ड दैट राइट। वेल, आई नो शार्क टैंक खत्म हो चुका है, बट कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, कुछ एपिसोड्स होते हैं, और टू बी प्रिसाइज कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज होते हैं जो शार्क्स को या तो बहुत पसंद आ जाते हैं, ऑडियंस को पसंद आ जाते हैं, कुछ पिचेस ऐसे होते हैं जिनकी जर्नी जो होती है वो बहुत हटके होती है, बट देन कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज भी होते हैं जो कहीं ना कहीं ऑडियंस को बहुत वियर्ड लगते हैं। और जो पर्टिकुलर पिच की मैं बात करने वाली हूँ इज ऑफ VA परफ्यूम। यस, यू हर्ड दैट राइट। सो VA परफ्यूम एक्चुअली में प्योरली एक परफ्यूम ब्रांड नहीं है, बट एक्चुअली क्रिएट्स इंसेंस स्टिक्स, दैट इज अगरबत्ती की कंपनी है, अगरबत्तियाँ बनाता है। तो इसमें वियर्ड की क्या बात है, इसमें ये तो एक नॉर्मल ब्रांड है, अगरबत्ती बनाता है, जिसके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है, इसका जो मार्केट स्पेस है वो भी बहुत बड़ा है, तो इसमें ऐसा वियर्ड वाली बात क्या है? वेल, लेट मी टेल यू कि ये डिवोशनल अगरबत्ती, दैट इज डिवोशनल पर्पज के लिए तो ये इंसेंस स्टिक की ब्रांड है ही है, प्लस ये एक नाइट अगरबत्ती भी है। वेल, नाइट अगरबत्ती, वेल लेट मी टेल यू कि जो VA परफ्यूम है, नाइट अगरबत्ती करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है टू लिफ्ट योर मूड। जी हाँ, यस, यू हर्ड दैट राइट। वेल, VA परफ्यूम एक ऐसा ब्रांड है जो नाइट अगरबत्ती क्रिएट करता है एंड बेसिकली क्रिएटेड टू लिफ्ट अप योर मूड, दैट इज एक रोमांटिक मूड को या रोमांटिक यू नो एक बिहेवियर को बूस्ट अप करने के लिए ये पर्टिकुलर इंसेंस स्टिक का क्रिएशन हुआ है। जी हाँ, वेल, इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम अमित है, और जब वो ये पर्टिकुलर बिजनेस लेकर शार्क्स के सामने आए थे इन सीजन 2, तो बहुत से जो शार्क्स थे वो हैरान थे, परेशान थे, इंक्लूडिंग अनुपम मित्तल जो shaadi.com के ओनर हैं, एंड वो थोड़े परेशान थे और कहीं ना कहीं वो इस पर थोड़े उससे यू नो मजाकिया अंदाज में उससे मजाक भी कर रहे थे एंड इसका मजाक भी उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि आपने हमने डिवोशनल अगरबत्तियों की बात करी है, पूजा घर में जब ये अगरबत्तियाँ यूज़ होती है या यू नो फॉर अ गुड अरोमा या इन सब पर्पसेस के लिए तो हमने अगरबत्तियाँ सुनी है, बट रात को मूड बनाने के लिए या यू नो आग लगाने के लिए, जैसे वो बोलते हैं कि आपकी अगरबत्तियाँ आग लगा देती है रात को, तो ये वो पहली बार सुन रहे हैं। जहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो पर्टिकुलर अगरबत्ती थी, ये एक्चुअली में इनका हनीमून पैकेजेस करके भी अगरबत्तियों का अलग यू नो पैकेजिंग है एंड एक अलग सेगमेंट है। जी हाँ, तो ये मतलब रोमांटिक स्टाइल की अगरबत्तियाँ हैं, दैट इज़ टू लिफ्ट अप योर मूड, लेट मी यू नो कम ऑन दैट। एंड ऑल्सो इसका यू नो एक हनीमून पैकेज वाला पैकेट भी है जिसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट की इंसेंस स्टिक्स अवेलेबल हैं। और ये सब बातें सुनकर जो है सारे शार्क्स जो थे बहुत हैरान रह गए। जब मैं आपको बता दूँ, जब अनुपम मित्तल उनसे पूछते हैं, दैट इज़ अमित से जो फाउंडर है, कि इसका दैट इज़ VA परफ्यूम के पीछे का एक थॉट प्रोसेस क्या है, तो नमिता जो है उन्हें रोक देती हैं और बोलती हैं कि हमें नहीं जानना कि इसके पीछे की आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, हमें बिल्कुल भी नहीं जानना। जिस पर वो तभी भी थोड़ा बताते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने एक नाइजीरिया या नाइजीरियन ब्रांड से ये इंस्पायर्ड है और ये नाइजीरिया से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है, बट क्या है, कैसा है, ये एक्चुअली नमिता ने उन्हें बताने ही नहीं दिया। फिर अगेन अगर हम इस पिच की बात करें, देन द फाउंडर आस्क्ड फॉर 1 crore विद 10% इक्विटी। जी हाँ, उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगा है। बट देन मैं आपको बता दूँ कि जब उन्होंने अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में बात करी या जो अपने स्टैट्स बताए, तो उससे पता चला कि उनका जो VA परफ्यूम है इज एक्चुअली डूइंग क्वाइट गुड इन द मार्केट एंड एक अच्छा बिजनेस जो है वो कर रहा है। बट देन अनुपम मित्तल का कहना था कि आप अच्छा ग्रो कर रहे हो, आपके बिजनेस में शायद पोटेंशियल है, बट कहीं ना कहीं सारे शार्क्स जो थे इससे उन इतना ज़्यादा उससे एग्री नहीं हुए एंड दैट इज़ द रीज़न दे ऑप्टेड आउट ऑफ इट वन बाय वन। जो नमिता एंड अमन गुप्ता एंड पीयूष का ये कहना था कि कहीं ना कहीं उनकी इस पर्टिकुलर चीज़ में, इस एरिया में एक्सपर्टीज़ नहीं है एंड दैट
दैट इज द रीजन कि वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। मैं अनुपम मित्र का कहना था ये ग्रो है बट थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है और कहीं ना कहीं वो इसकी तरफ नहीं जाना चाहते। वेल वी ए परफ्यूम्स के बारे में और इस पर्टिकुलर अगरबत्ती इंसेंस स्टिक्स के बारे में आपका क्या टेक है, टू लेट अस नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो। एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे सेगमेंट। अगर आपको हमारा अच्छा कंटेंट और वीडियो पसंद आया दैन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू DNP। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP।